धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात KOCP में पेलोडर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वही घटना की सूचना के बाद स्थानीय लोग में आक्रोश देखने को मिला। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजन प्रबंधक कार्यालय के समक्ष मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। वही घटना की सूचना पर CISF और धनसार पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक खलासी का काम करता था। बीती रात पेलोडर लुढ़क जाने के कारण घटना में उनकी मौत हो गई है। उन्होंने प्रबंधक से मांग करते हुए कहा कि मृतक परिवार को नियोजन और मुआवजा मिलनी चाहिए, अन्यथा हम लोग काम नहीं होने देंगे, चक्का जाम कर देंगे। मौत हुआ है। कहाँ पे काम करते थे? यहीं पे गाड़ी चलाते थे। कहाँ, कौन सी जगह पे? विश्वकर्मा प्रोजेक्ट है सर। ठीक, ये गाड़ी चल रहा था, ये पेलोडर जो डिलीवर जो चला रहा है गाड़ी, इनका गलती से इनका मौत हुआ है। वो डिलीवर भागे, वो डिलीवर सही हकीकत बता देंगे, उनको बुलवाइए, कुलवाड़ी के साहब लोग बुलाएंगे, सब बुलाएंगे सर, समझे ना। अभी आप लोग क्या क्या किए हैं? हम लोग तो सर अभी आए हैं, डेड बॉडी लगे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्टिंग रोक दी आप लोग? हाँ, सब चीज हम लोग रोक दिए सर अभी। मांग क्या है, मांग बताइए। मांग हम लोग के सर, इनको बच्चा है, प्लस इसका जो मुआवजा मिलना चाहिए।